अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर थर्स्टी। तो मैं आज अबू धाबी मौजूद हूँ और आप लोगों को आज का दिन जो है वो अबू धाबी दिखाएंगे। और आज मैं आते साथ ही अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त यासिर को मिला हूँ, जो मेरे स्कूल का दोस्त है और इससे मेरी मुलाकात जो है वो तकरीबन 10 साल बाद हो रही है। ये इधर रहता है, इधर जॉब शॉप करता है और आज इसके साथ हम लोग मिल के ट्रैवलिंग व्लॉग करेंगे और अभी अबू धाबी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं देसी नाश्ता करने, क्योंकि हमारा बहुत लंबा दिन होने वाला है, तो नाश्ता जो है वो एक मस्त चीज़ है। तो हम लोग वो करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ये अबू धाबी कैसा है। दोस्तों, देसी नाश्ता खाने के बाद हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे मरीना मॉल है और ये कॉर्निश बीच है। एक यहाँ पे बहुत प्यारा बीच है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इधर पहुंचे हैं हम, मरीना माल के अंदर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, असल में मैं तकरीबन 7 बजे उठा हुआ हूँ और यासिर के पास मैं 8 बजे पहुंचा था। अगर आप दुबई में आएँ तो 10 बजे से पहले आपको इधर कोई चीज़ ओपन नहीं मिलेगी। जर्मनी वाला माइंडसेट ना रखें कि आपको सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें कवर करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से आएँ, नींद पूरी करें और तकरीबन 11-12 बजे इधर घूमें। तो मरीना माल में चलते हैं, आपको पहले ये माल दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। तो यासिर भाई कह रहे हैं ये जो सारे लोग अभी आए हैं ये अब नॉर्मल पीपल है। नॉर्मल लोग कब रात के वक्त निकलते हैं ना भाई, रात के वक्त निकलते हैं। देखो तुम तुमको डाउट था कि अबू धाबी की कोई चीज मिस ना हो रही, मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारे लिए कुर्बानी दे देते हैं। आपको लगता है अबू धाबी बहुत ज्यादा पसंद आया, आपका फेवरेट कंट्री, फेवरेट सिटी? मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे साल गुजरे हैं यहाँ पे गर्मी में। तो दोस्तों, बहुत जलील होने के बाद हम लोग एमिरेट्स पैलेस पहुंच गए हैं। इधर वो हमें अलाउड नहीं कर रहे थे कि आप लोग अंदर जाएं, एज आ टूरिस्ट आप आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते। तो हमें जो उनसे प्रोफेशनल कैमरे हैं और ड्रोन वगैरह है वो गाड़ी में छोड़ने पड़ेंगे, पार्किंग में ही रखने पड़ेंगे और मोबाइल से हम वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को ये बहुत प्यारा पैलेस है वो दिखाते हैं। Thank you.
हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आए हैं और इस मस्जिद के लिए मैं स्पेशली अबू धाबी आया हूँ। बाहर से तो ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है और अंदर से भी बहुत प्यारी है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को रास्ते में बताऊंगा और अंदर चलने का आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो यासिर भाई, आपको कैसा लग रहा है कि आपको चलना नहीं पड़ रहा? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अगर हम चल के जाते तो तकरीबन 20 मिनट लगने थे भाई। बिल्कुल, और गर्मी इतनी है कि आपने वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहना कि बस हुई। बिल्कुल, और इन्होंने विजिटर के लिए ये फैसिलिटी बनाई हुई है कि आप बग्गी लेके इजीली अंदर तक पहुँच सकते हैं। यासिर भाई, क्या हुआ आपके साथ? भाई अच्छे भले वहाँ पे हम खड़े थे, आपने बोला कि गाड़ी से चलते हैं ताकि चलना ना पड़े। अभी यहाँ से वो बोल रहे हैं वापस जाओ, वहाँ से जाके टिकट ले जाओ। आप लोग जब मस्जिद में आए तो अवर स्मार्ट ना बने, जैसे ये लोग कहते हैं वैसे वैसे करें। अवर स्मार्ट बनेंगे तो दोबारा आपको वापस जाना पड़ेगा और विजिटर के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट जो है वो बिल्कुल फ्री है, इधर से आप जा सकते हैं, ये सिर्फ नमाज का रास्ता है, लेकिन विजिटर के लिए बिल्कुल फ्री टिकट है। तो उधर से आ जाके हम टिकट लेते हैं। तो दोस्तों, शेख जैद मस्जिद देखने के बाद हम लोग यास माल यास आइलैंड आ गए हैं। तो मस्जिद देखने का अपना मज़ा आया है। यासिर भाई, मैंने वर्ल्ड आए फरारी वर्ल्ड और यास माल, ये दोनों चीज़ें पास पास ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आज हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो चीज़ हम अबू धाबी में एक दिन कर सकें वो करने की कोशिश की है। ये भाई साहब ठीक कह रहे थे कि अगर अबू धाबी में आपने कोई काम करना है तो शाम 5-6 बजे के बाद करें, 4-5 बजे के दौरान निकले, क्योंकि सुबह के टाइम गर्मी यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे लोग जो उनसे होते हैं वो बाहर निकलते ही तकरीबन शाम 5-6 बजे हैं, ताकि गर्मी से बच सके। लेकिन आपकी फ्लाइट का टाइम 11 बजे था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फ्लाइट का टाइम 11 बजे था और हम लोगों को ये आदत है कि 7-8 बजे उठ के एक्सप्लोर करना सिटी, एक्सप्लोर करना सिटी, तो लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मस्जिद देखने का अपना मज़ा आया, एमिरेट्स पैलेस देखने का मज़ा आया, मरीना माल देखने का मज़ा आया। तो अब आपको कोशिश करते हैं कि जो फरारी वर्ल्ड मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट झूले हैं, ये आप लोगों को दिखा सकें।
और यास माल थोड़ा सा दिखाएं, और आपकी फ्लाइट का टाइम भी नज़दीक है, बिल्कुल तो जल्दी करना पड़ेगा, बिल्कुल घंटा दो घंटे रह गए हैं बस, तो ये कुछ दिखा के मैं तो जा रहा हूँ मलेशिया वापस, मुझे अबू घर जा रहा हूँ और ये भाई साहब घर जा रहे हैं, मुझे अबू धाबी देखने का बहुत मज़ा आया। तो यासिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और व्यूवर्स की तरफ से, आपने बहुत हिम्मत की कि आप सुबह 7-8 बजे उठे और हमें बहुत मुश्किल है भाई नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मुझे ये कहना पड़ेगा मुझे अबू धाबी देखने का बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा सिटी है, मलेशिया भी दोबारा चक्कर लगेगा तो आए आपको हम आपको मलेशिया विजिट करवाएंगे, मलेशिया घूमा हुआ पहले वैसे, हाँ जी लेकिन दोबारा घूमेंगे, हाँ दोबारा घूमेंगे इकट्ठे घूमेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये एफर्ट पसंद आई होगी, हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.